प्यारे बच्चों, आपने पाठ के वाचन के वीडियो को सुनकर पाठ का वाचन उसके अनुरूप अच्छी तरह से कर लिया होगा और पाठ के अभ्यास कार्य के वीडियो को भी देखकर उसका अभ्यास अच्छी तरह से कर लिया होगा। अब आप पाठ का सारांश अर्थात मुख्य भाव जानेंगे तथा पाठ के अंत में दिए गए कुछ अभ्यास कार्यों की चर्चा की जाएगी और उसके बाद आपको पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करने को दिए जाएंगे। तो हम लोग इसके अनुसार अब आगे बढ़ते हैं और पाठ के मुख्य भाव अर्थात सारांश को जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी नित्य प्रति अपने दैनिक क्रियाकलापों में और अपने प्रतिदिन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हमारे इस व्यस्ततम जीवन को सरस और खुशहाल बनाने के लिए समय समय पर त्यौहार आते रहते हैं। इन त्यौहारों में हम अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों से मिलते हैं और अपने रीति रिवाजों से परिचित होते हैं। बच्चे, त्यौहार कई तरह के होते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, घरेलू त्यौहार, फसलों से संबंधित त्यौहार। धार्मिक त्यौहार जैसे हम लोग होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन आदि मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। घरेलू त्यौहार जैसे शादी, जनेऊ, जन्मदिन। ये त्यौहार हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। इसी तरह फसलों से संबंधित त्यौहार भी मनाए जाते हैं। फसलों से संबंधित त्यौहार हम सभी किसानों के कड़ी मेहनत के पश्चात फसलों के तैयार होने और कट कर घर आने की खुशी में मनाते हैं। ये देखिए बच्चे, ये विभिन्न तरह के धार्मिक फसलों त्यौहारों के चित्र आपको यहाँ दिखाए गए हैं। होली, दशहरा, दीपावली, सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी, ये तरह तरह के त्यौहारों के चित्र आपको दिए गए हैं जिसे हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं। इसके बाद ये देखिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जिसे राष्ट्रीय त्यौहार पूरा राष्ट्र मनाता है, और ये शादी, जनेऊ, जन्मदिन इत्यादि। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि फसलों के त्यौहार हम किसान के मेहनत के पश्चात जब फसलें कटकर घर आती है तो उसकी खुशी में हम मनाते हैं। इस दिन किसान की कड़ी मेहनत के पश्चात नए फसल अर्थात धान के पक कर कट कर घर आने की खुशी में घरों की सफाई की जाती है। उसके बाद सभी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और तिल, गुड़, दही, चूड़ा से भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद घर के जो बड़े होते हैं वह छोटे को तिल, गुड़ प्रसाद के रूप में देते हैं। फिर दही, चूड़ा, तिलकुट इत्यादि खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। फिर शाम को नए चावल की खिचड़ी बनती है, इसलिए इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। फसलों के त्यौहार पाठ में विभिन्न फसलों के बारे में बताया गया है। फसलों के त्यौहार जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बिहार में, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जिसे हम सभी तिल संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। फसलों के त्यौहार लेख के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ऐसे त्यौहार जो फसलों से संबंधित है उनके बारे में चर्चा की गई है। फसलों से संबंधित त्यौहार का अपना ही महत्व होता है। सबके मनाने का तरीका विभिन्न होता है। देश की अलग अलग संस्कृति व वेशभूषा से जुड़े लोगों के गीतों के स्वर भी इस त्यौहार को मनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की जलवायु, जिस तरह की संस्कृति,
जिस राज्य में होती है उस राज्य में उस तरीके से फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। इस लेख के अनुसार जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। सभी प्रांतों के त्यौहार मनाने का अपना अपना ढंग अलग अलग नज़र आता है। इस दिन सब लोग फसल की खुशी, पैदावार की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। असम में इसे बिहू के नाम से मनाया जाता है। केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग पर्व के नाम से मनाया जाता है। आम तौर पर ये सारे त्यौहार जनवरी के मध्य से अप्रैल मध्य तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। और ये देखिए बच्चे, ये फसलों से जुड़े अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्यौहारों के चित्र हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर जगह इसके मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब बच्चे, आपने जो पाठ का वाचन किया होगा, आपने देखा होगा कि पाठ के अंत में कुछ कार्य दिए गए हैं, कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, तो उस अभ्यास कार्य को हम सभी समझ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले है मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन झाड़ा पहले कब्बू ना देखनी। यहाँ खिचड़ी से क्या मतलब है? यहाँ खिचड़ी से मतलब है मकर संक्रांति का। जैसा कि इस पाठ के सारांश में ही हमने जिक्र किया है कि मकर संक्रांति के दिन शाम को लोग नए धान से बने चावल की खिचड़ी खाते हैं, इसलिए लोग इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति का है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सूरज तो हमेशा अपने नियत समय पर निकलता ही है, लेकिन मौसम के कारण कभी कभी वो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आकाश में बादल छाए रहते हैं, बरसात का मौसम रहता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूरज हमेशा अपने नियत समय पर निकलता है। और अगर सूरज ना निकले तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी, हमें धूप नहीं मिलेगी, हम अपने दैनिक क्रियाकलाप को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, पशु पक्षी मनुष्य सभी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सूरज की किरणों में वो शक्ति होती है जो मनुष्य को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। तो आप बच्चे कोशिश करेंगे कि इसका जगह दिया हुआ है किताब में, तो आप पेंसिल से दो या तीन वाक्यों में इस किताब में ही लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पेंसिल से लिखेंगे। बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? इस पाठ में लेखक ने लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन बाहर जो है बिल्कुल कितना समय हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जनवरी माह जो है वो ठंड का मौसम होता है और ठंड में धूप सूर्य ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आकाश में बादल छाए रहते हैं, कोहरा छाया रहता है, इसलिए दिखाई नहीं देने से बाहर मौसम का अंदाज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद है, जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान कैसे लगाते हैं? या पहले जो घड़ी नहीं थी तो लोग समय का अनुमान कैसे लगाते थे? तो लोग सूर्य की गति से, दिन में सूर्य की गति से लोग समय का अंदाज लगाते थे। पूर्व दिशा में खड़े होने पर जब सूर्य उनके सामने होता था तो उन्हें समझ में आता था कि अभी सुबह या उससे और ऊपर का समय है। जब सूर्य पूरे सिर पर रहता था तो वो मानते थे कि ये दोपहर अर्थात अपराह्न का समय है, और जब सूर्य पीछे चला जाता था तो वो समझते थे कि ये शाम का समय है, और रात में चंद्रमा और तारे की गति से वे समय का अंदाज लगाते थे।
साथ ही बच्चे इसमें भाषा संबंधी भी कुछ चर्चा की गई है, क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया गया है। जैसे खिचड़ी में ऐसन जाड़ा पहले कब्बू ना देखनी, यहाँ पर ये भोजपुरी भाषा का जिक्र है, बिहार में बोले जाने वाले भोजपुरी भाषा का जिक्र है, जिसका अर्थ है कि खिचड़ी में मतलब मकर संक्रांति के दिन ऐसन इस तरह का जाड़ा मतलब ठंड हम पहले कब्बू ना देखनी, मतलब पहले हमने मकर संक्रांति के दिन इस तरह की ठंड कभी नहीं देखी। और भी इसी तरह से और इसमें वाक्य हैं, जैसे केरा के पत्ता आइल कि ना, मतलब कि केले का पत्ता आया कि नहीं। तो इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी इस पाठ में जिक्र किया गया है। अब है अन्न के बारे में, फसल से संबंधित बातें कर रहे हैं तो हम लोग कुछ अनाज की भी चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रश्न है कि फसलों के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है, तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल होता है। हम मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। जैसा कि बताया गया है कि लोग तिल और बड़े घर के बड़े जो हैं वो अपने घर छोटे सदस्य को तिल और गुड़ प्रसाद के रूप में हाथ में देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल होता है। तो तिल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे तिल से तेल बनता है, तिल से मिठाई बनती है, तिल से दवाइयाँ बनती है, तिल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तिल से तेल बनता है, और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तेल बनता है, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम तेल बनाते हैं और उन तेलों का इस्तेमाल करते हैं। आगे अब खास पकवान, जो कि हम त्यौहार पर हम सभी को इंतज़ार रहता है कि अलग अलग त्यौहार पर अलग अलग तरह के खास पकवान बनते हैं। खास करके बच्चों को तो उन पकवानों का ही इंतज़ार रहता है कि अब त्यौहार आया और मम्मी नए नए पकवान बनाएगी और हम लोग खाएंगे। तो यहाँ मकर संक्रांति से की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग मकर संक्रांति के दिन तिलकुट खाते हैं, जो कि तिल गुड़ या तिल और चीनी से बनकर तैयार होता है। तो गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, गया का तिलकुट, मनेर का लड्डू। इस तरह से अलग अलग जगहों के अलग अलग खास पकवान हैं जो प्रसिद्ध हैं, और उन्हें हम जब भी वहाँ जाते हैं या जो भी हमारे कोई सगे संबंधी वहाँ जाते हैं तो हम उनसे मंगवाते भी हैं या वो हमारे लिए भेंट स्वरूप लेकर भी आते हैं। तो आगे के अभ्यास में हम जानेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे और पता करेंगे अपने रिश्तेदारों से कि हमारे रिश्तेदार जो जो भारत के जिस जिस प्रांत में या जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ का क्या क्या खास पकवान प्रसिद्ध है। अब हम थोड़ा काम की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी नित्य प्रति अपने क्रियाकलाप करते हैं, जैसे मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये हमारा काम हो रहा है, ये बोलना हमारा काम हो रहा है, समझाना हमारा काम हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये आपका काम है। तो यहाँ काम से संबंधित ही कुछ अभ्यास है जिन्हें आप समझेंगे। काम मतलब जो हम नित्य प्रति करते हैं, तो नित्य प्रति जो हम काम करते हैं उसे हम क्रिया शब्द के नाम से जानते हैं। क्रिया का मतलब काम, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है और इसमें कुछ कुछ क्रियाएं
छूट गई है तो आपको इन क्रियाओं को उस खाली जगह में भरना है। और क्रियाओं का नाम भी दिया गया है, मतलब क्रियाएं जो उसमें भराएंगी वो क्रियाओं की सूची भी दी गई है, जैसे छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। आप हम लोग जो पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, कूदना, चलना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो देखते हैं इन शब्दों से हमारे पास खिचड़ी बनाने की क्या विधि दी गई है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें से क्या होगा, उसे पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक क्या भून लो। तो बच्चे आप इसी तरह पढ़ पढ़ कर इस खाली जगह को क्रिया शब्द द्वारा खाली जगह को भरेंगे और ये खिचड़ी बनाने की विधि को पूरा करेंगे। ये काम आपके पुस्तक पाठ के अंत में दिया गया है, इसलिए ये काम आप पुस्तक में ही कर लेंगे, इसे अपनी लेखन पुस्तिका में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये काम अपने पुस्तक में पेंसिल की सहायता से करेंगे। अब आगे पाठ से संबंधित कुछ अन्य अभ्यास कार्य हैं। पहले प्रश्न उत्तर हैं, बहुत ही हल्के प्रश्न उत्तर हैं। खिचड़ी का क्या तात्पर्य है, जो आपको बताया गया है खिचड़ी से क्या मतलब है। अब मैं इसके उत्तर नहीं बताऊंगी, आपको खुद से करना है, क्योंकि आपने पाठ का वाचन भी किया है, उसके अभ्यास कार्य भी किया है और इतने सारे अभी इस वीडियो को भी देखकर आपने बहुत कुछ जाना है। घर में चहल पहल क्यों थी, दादी के बाल कैसे लग रहे थे, ये मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर पढ़े गए पाठ की सहायता से ही आपको ये खाली जगह भरना है। सारा दिन डेस्क के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। आपने अगर रीडिंग किया है अच्छे से, पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छे से सुना है, उसका अभ्यास किया है, तो आप आराम से इस खाली जगह को भरेंगे। इसके बाद आपने जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होने वाले त्योहारों के विषय में पढ़ा है, उसी की सूची यहाँ दी गई है। कॉलम क में राज्यों के नाम दिए गए हैं और कॉलम ख में फसलों से संबंधित त्योहारों के नाम दिए गए हैं। आपको उसकी जोड़ी बनानी है, मतलब कि कौन से त्यौहार कौन से राज्य में मनाए जाते हैं। इसे आप पेंसिल और स्केल की सहायता से अच्छे से मिलान करके करेंगे, लेकिन केवल पेंसिल से नहीं, हाथ में आप स्केल भी लेंगे ताकि आपकी लाइनें सीधी जाएं। इसके बाद आ गया आपका मनपसंद काम, खास पकवान वाला काम, जो कि आपको पता करना है कि, और जो आप जानते हैं वो खुद से लिख देंगे, जो नहीं जानते हैं आप अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उसे पता करेंगे कि किस जगह का कौन सा पकवान प्रसिद्ध है और उसका नाम यहाँ लिखेंगे। और अंत में एक रचनात्मक कार्य, जो कि आपके सोचने लिखने की शक्ति को बढ़ाएगा, वो है रचनात्मक कार्य। पाठ से कोई 5 क्रिया शब्द लिखना है, पाठ का ही कोई 5 क्रिया शब्द लिख करके आप उससे एक एक वाक्य बनाएंगे। दूसरा, अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। आपका मनपसंद त्यौहार धार्मिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है और फसलों से संबंधित त्यौहार भी हो सकता है। आपको जो भी त्यौहार अच्छा लगता हो, आप जहाँ रहते हों वहाँ का जो भी क्षेत्रीय त्यौहार हो, वो भी आप अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। साथ ही इसमें ये भी लिखेंगे कि उस त्यौहार के दिन आपकी क्या भागीदारी होती है, मतलब आप घर के लोगों को उस त्यौहार को मनाने में क्या मदद करते हैं। तो बच्चे, इस तरह से आपको
वीडियो की सहायता से, अभ्यास कार्य की सहायता से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से पाठ को अच्छी तरह समझाया गया। उम्मीद है आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया। अब पाठ से संबंधित और भी जो कार्य होंगे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद बच्चे।